दीवार जब बनाते हो तो अंदर वाला बाहर ना जा पाए, ये नहीं, अब ये डरते हो कि बाहर वाला अंदर ना आए। अब फिर से कहना चाहूंगा, 2018 में एक हुआ था, आज फिर ऐसे हो गया। हेलो वन, मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द रिबेल स्टार, बड़े पर्दे के डार्लिंग प्रभास इज बैक विथ हिज बिग पिक्चर। नाम है फिल्म का सलार, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मास विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, बहुत सारी टिकटें दिख रही है आपके हाथ में। कौन सी पिक्चर की टिकटें है ये? सलार की है, 100 टिकट ले दी। ली थी? ओके ओके, जी जी, तो हमने ये 100 टिकट ली है। ओहो, डिमांड इतना अचानक आ गया था, रात को डिमांड आ गया, फिर हमने रात को टिकट बुक की, सब लोग आ गए। जी जी, 100 लोग आए सलार के लिए। ओके, देखो रात को टिकट बुक की, मैं था नहीं रात को, इसलिए फिर हम बता नहीं पाए। यस, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मजा आ गया। ओहो, यहाँ तो मैं ये भी देख रहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रभास किसी का हाथ काट रहा है, किसी का पैर काट रहा है, लोग उधर खड़े नाच रहे थे, सिटियां मार रहे थे। ये क्या हो गया भाई, एक्शन में आप लोग देखते है ना, ये तो नाच रहे थे। और जो तो एक शेर जो बलि चढ़ा था, जय काली माँ, लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, जय श्री राम, पब्लिक चिल्ला रही थी, प्रभास भी चिल्लाते हो सुने मैंने। कमाल हो गया यार। तो बाकी रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास कहते हैं, सच्ची में सुपर स्टार है तो यार। जो सेकंड ट्रेलर था, आपने बोला था कि हमारा बाहुबली आ गया, आ गया, आ गया। अभी क्या बोलोगे विजय, पूरी पिक्चर देख के आए? सही बात है, बाहुबली बाहुबली के लिए बना है, एक्शन फिल्म के लिए हीरो बना है, एंग्री यंग मैन। ओहो, मैं तो बोलो प्रभास लव स्टोरी पिक्चर करना ही नहीं चाहिए। ओके, ये सिर्फ एक्शन पिक्चर ही करना चाहिए, क्योंकि आंखों में अंगार है। उसके जितने भी सीन है ना, उसने हीरो को एंट्री एक बार दो बार दी, इसकी पूरी फिल्म में री एंट्री बताई है, बार बार क्या एंट्री बताई है। कुछ भी एक्शन सीन होने वाला होता है, जो भी सीन होने वाला होता है, वैसे ही खड़ा रहता है। एक सीन तो लोग मतलब हाथ जोड़े, वैसे ही खड़ा है, उसकी परछाई दिखती है, जब ऐसे हाथ खोलते है ना, लोग सीटियां मार देते। मतलब सिर्फ उसकी परछाई काफी है, काफी है पिक्चर को ब्लॉकबस्टर करने के लिए। बहुत जबरदस्त, उसका एंट्री क्या, उसका एक्शन सीन क्या है, मजा आता है लोगों को, धमाल मचा दिया। ओके, साथ में जो है उनके पृथ्वीराज सुकुमार, जो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, कैसे लग रहे थे दोनों दोस्तों की कहानी थी? सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, उसकी डबिंग, जिसने भी डबिंग की, शरद केलकर ने आवाज दी, वो नहीं प्रभास की, नहीं जितने भी एक्टर्स है, ओके ओके, जो विलन हो, जो भी हो, जो उसकी माँ बनी है, क्या डबिंग की है, पावरफुल, सबके डायलॉग में वजन है, मतलब सबकी आवाज में, मतलब जबरदस्त। तो डबिंग क्या है, क्या साउंड है, क्या इफेक्ट आ रहा है पिक्चर का, ये साउथ के फिल्में में आता है। यस, अपने बॉलीवुड में क्यों नहीं आता, ओ वजन क्यों नहीं आता। करेक्ट, तो गाने हैं पिक्चर में? गाने हैं, लेकिन गाना ज्यादा लंबा नहीं खींचा है, छोटा गाना बताया। देखिए, ये क्या मुझे गड़बड़ लग रही है, पूरी फिल्म 2 घंटे 55 मिनट की है, तो इन्होंने इंटरवल 1 घंटा 1.25 घंटे में कर दिया, उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट की पिक्चर खींची। ओके, तब कट टू कट रखे ना, okay. तो लोगों को लंबा नहीं लगता, तो पिक्चर थोड़ा और बाद और में चाहिए, बाद में चाहिए, yes, yes. तो पिक्चर परफेक्ट होती थी। okay. एक पिक्चर तो अच्छी है, मजा आता था लोगों को। क्या बात है, मतलब विजय जी, जैसा हम कहते हैं कि एक शुक्रवार लगता है एक हीरो को अपना नसीब पलटने के लिए, और ये शुक्रवार हम बोल सकते हैं प्रभास का है। अब फिर से कहना चाहूंगा, 2018 में एक हुआ था, मैं नाम नहीं दोनों पिक्चर दूंगा, आज फिर ऐसे हो गया। 2018 आज 2023 में रिपीट होते हुए हमको दिख रहा है। ओहो, क्या बात है, मतलब प्रशांत नील इज बैक विद अ बैंग। यस, मतलब सुपर्ब डायलॉग, सुपर्ब डायरेक्शन, क्या मतलब क्या शूट किया है। कोई एक डायलॉग आपको जो याद आ रहा है प्रभास में, जो जब वो उसको लेके जाते ना, बोलते किसको लेके आया, बोलते दीवार देख के डर गया, मतलब बड़ी दीवार, दीवार जब बनाते हो तो अंदर वाला बाहर ना जा पाए, ये नहीं, अब ये डरते हो कि बाहर वाला अंदर ना आए। श्रुति हसन भी दिखाई दी थी हमको ट्रेलर, दोनों ट्रेलर में थोड़ी थोड़ी झलक दिखी थी। कम दिया है प्रभास, उसका जो दोस्त, अभी जितने विलन है, सबने काम जबरदस्त किया है। बात है, रिपोर्ट बेहतरीन आते हुए दिख रही है, जो 100 लोग आए थे उनका क्या रिपोर्ट? अरे सबको मजा है, सब नाच रहे थे थिएटर में, और सिरती और टालियां बजा रहे थे, लोगों को तो मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ प्रभास को लव स्टोरी फिल्म में लेना ही नहीं चाहिए, उसकी इमेज है एंग्री यंग मैन की, उसका जो लुक है ना, सामने आदमी देख के डर जाएगा। ओह सॉरी, उसके हाथ पे एक टैटू बना था जी, तो लोग बोलते हैं क्या है, जब ऐसा हाथ खोलता है ना,
और देखे भाग जाते लोग, अरे कौन है वो। एंग्री यंग मैन इज ऑन द बिग स्क्रीन, पांच में से क्या रेटिंग रहेगी आपकी फॉर सलार सीज़फ़ायर पार्ट वन? फिर भी इसमें पांच में से चार दूंगा। चार स्टार की वर्डिक्ट दिया है, ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट है ये फॉर प्रभास, प्रभास डार्लिंग प्रभास, ओनली प्रभास, ओनली प्रभास। क्यों उसका काम ही ऐसा है ना कि रिपीट वैल्यू है, ओके। उसका लुक इतना जबरदस्त है ना, क्या आप देखे यार क्या स्टार, मतलब बोलते ना ये अपना हीरो है ऐसा लग रहा है। बातें मासेस का हीरो आ गया है बड़े पर्दे पे, चार स्टार का वर्डिक्ट दिया खड़ेगा वो तो मासे विजय जी ने। जाके देखिए ये पिक्चर और हमको जरूर बताना कि आपको प्रभास की सलार पार्ट वन कैसे लगी। अब हम इंतजार में है पार्ट टू के, कब लेके आते हैं प्रशांत जी। थैंक यू विजय जी।